अगर आप सोच रहे हैं कि पुलिस थाने में आपकी कोई चीज सुरक्षित है तो ये भूल जाइए। जी हाँ, पूरी खबर देखने के बाद आप भी यही कहेंगे। ताजा मामला पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके से सामने आया है। दरअसल मामला लक्ष्मीनगर इलाके का है, जहां पर रहने वाले आकाश की बाइक 18 अगस्त को चोरी हो गई थी, जिसके बाद उसने थाने में एफआईआर दर्ज कराई। कुछ दिन बाद आकाश को थाने से फोन आया कि उसके बाइक मिल गई, जिसके बाद वह थाने गया तो देखा कि उसकी बाइक ठीक हालत में खड़ी है, जिसके बाद वह पुलिस से मिला। पुलिस ने उसको बताया कि गाड़ी लेने के लिए कोर्ट से ऑर्डर लाना होगा, जिसके बाद उसे गाड़ी सुपुर्द की जाएगी। पीड़ित आकाश का आरोप है कि उससे इस एवज में 2,500 रुपये मांगे, लेकिन उसने 2,000 रुपये पुलिस को दे दिए और वकील के माध्यम से कोर्ट में बाइक सुपुर्दगी के लिए अर्जी भी लगा दी। जज ने जो सूचना उसे दी वह सुनकर उसके पैर तले जमीन खिसक गई। कोर्ट में अर्जी लगाने के बाद जब उस पर सुनवाई हुई तो जज ने उन्हें बताया कि आपको बाइक नहीं मिल सकती क्योंकि बाइक फिर से चोरी हो गई है और उसकी दोबारा एफआईआर भी करवा दी गई है। आकाश का कहना है कि जब पुलिस थाने में ही कोई चीज सुरक्षित नहीं तो इलाके में क्या हाल होगा। बाइक पहले चोरी हुई थी 18 अगस्त को, कहाँ से? ये लक्ष्मीनगर PP9 चर्च के पास। अच्छा, रात को चोरी हुआ था, मैं सिस्टर के घर पे था तो वह चोरी हुआ था। तो मैंने संडे को कंप्लेंट किया, फिर कंप्लेंट में एफआईआर हो गया। फिर मुझे 2-3 दिन पहले भी खबर आया कि सर आपकी गाड़ी मिल चुकी है, आप थाने आ जाओ। तो मैं थाने गया, थाने जा देखा गाड़ी मिल गई, खड़ी थी। मैं चेक किया, पूरा ओके था, कहीं भी डैमेज नहीं था, कुछ भी था। उन्होंने कहा कल आना और अपना ऑर्डर लेकर आना कोर्ट से। तो पुलिस ने बोला ठीक है। मैं पुलिस ने मेरे से पैसे मांगे 2,500 रुपये, 2,500 रुपये दो हम आपका काम करा देंगे। अच्छा, तो मैंने उनको 2,000 रुपये दिया। फिर मैंने उनको पेपर लिया, कोर्ट गया, फिर कोर्ट भी गया, कोर्ट से वकील को पकड़ा, वकील ने भी लिया 1,500 रुपये। फिर वकील ने लिया, उसके बाद बोला कि यहाँ पे आपका दोबारा एफआईआर हो गया, कल आपकी बाइक चोरी होगा। फिर 27 तारीख को रात को आपकी बाइक चोरी। ये बात किसने बताई आपको? जज ने बताया। जज ने बताया।